नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आटे से बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल सॉफ्ट केक बनाना बता रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में ही उपलब्ध चीजों से बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप केक को बेक करने के लिए एल्यूमिनियम या नॉनस्टिक कढ़ाई या कुकर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टैंड हो वो रख लें बीच में। इसके बेस में हमने नमक का यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स। विदाउट नमक के हम केक को बेक करेंगे। और केक को बेक करने के लिए आप स्टील के बर्तन का यूज़ ना करें, क्योंकि ऐसे उसमें केक जल सकता है। अब इसका ढक्कन बंद करके इसको 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे गर्म होने दें। केक के बैटर को डालने के लिए आपके पास ऐसा कोई भी कंटेनर हो वो ले सकते हैं घर में, नहीं तो केक टिन में आप रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छे से ग्रीस कर लें। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए। कंटेनर को अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसमें मैदे की अच्छे से डस्टिंग कर देते हैं। पूरे केक टिन में अच्छे से इस मैदे को डस्टिंग करेंगे, चारों तरफ अच्छे से फैला दें इस तरीके से। एक्स्ट्रा मैदा हम उल्टा करके बाउल को अलग कर लेते हैं। आप आटे के केक में यदि टूटी फूटी डालना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा मैदा डालकर ही यूज़ करें। अब हम केक के लिए बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए हाफ कप चीनी का बूरा लिया है। चीनी के बूरे को बनाने के लिए आप चीनी को मिक्सर में अच्छे से पीस कर यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाफ कप फ्रेश रिफाइंड ऑयल डालें। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, इसमें कोई भी स्मेल ना हो। अब इसे 2 से 3 मिनट एक ही डायरेक्शन में अच्छे से घुमाएं। ऐसा करने से हमारा बैटर केक का अच्छा फूलता है। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ऐड करें। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे हो वही दूध ऐड करना है। दूध को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दें। वनीला एसेंस ऐड करने से हमारा केक बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगता है। यदि वनीला एसेंस नहीं है तो आप बिना उसके भी केक बना सकते हैं, वो भी स्वादिष्ट लगता है खाने में। अब हम 1 कप गेहूं के आटे को छन्नी में छानकर लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को छानकर ही यूज़ करें। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया, 1 चुटकी नमक डाला। नमक डालने से अच्छा टेस्ट आता है केक में। इसे अच्छे से छान लें, छानकर ही यूज़ करें। इसमें छानने से कोई भी गुठलियाँ नहीं होती हैं। इसे मिक्स करते जाएं हल्के आंच से, धीरे धीरे करके आवश्यकता अनुसार बीच बीच में दूध ऐड करते जाएं। एकदम से ज़्यादा दूध ना डालें। इसका बैटर नॉर्मल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। गाढ़ा होगा तो हमारा केक अच्छे से बेक नहीं होगा और ना ही फूलेगा। ये मिक्स हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखें। अब इसमें 1/2 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर दें। नींबू का रस ऐड करने से सोडा के साथ अच्छे से रिएक्शन करता है और हमारा बैटर अच्छा फ्लफी बनेगा केक बेक होने के बाद। इसे केक टिन में ट्रांसफर कर दें। सोडा डालने के बाद इसको रेस्ट के लिए नहीं रखना है, तुरंत इसे मिक्स कर दिया और केक टिन में ट्रांसफर करना है अच्छे से मिक्स हो जाए तक। इसे 3 से 4 बार अच्छे से टैप कर लिया है ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना हो। अब इसमें टूटी फूटी ऐड कर दें। टूटी फूटी में मैदा ऐड करते हैं तो ये नीचे बेस में बैठती नहीं है। टूटी फूटी यदि डालना चाहते हो तो डालें, अदरवाइज इसे ना डालें। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसे ढककर
30 से 35 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम में बेक होने दें। बीच बीच में इसको खोलकर ना देखें, देखना है तो 20 मिनट बाद इसको चेक करें। इसको ना तो बिल्कुल स्लो में बेक करना है और ना ही तो तेज में बेक करेंगे तो ये हमारा केक जल सकता है। धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है। दोस्तों, जो भी मैं किचन में यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप एक बार ज़रूर देखें कि मैं कौन कौन से आइटम यूज़ करती हूँ किचन में। ये बेक हो चुका है, बेक हुआ है कि नहीं इसको चेक करने के लिए इसको मैं नाइफ या टूथपिक डालकर चेक करें। टूथपिक यदि हमारी चिपक नहीं रही है उसमें कोई भी बैटर, यानी कि परफेक्ट बेक हुआ है। जब ये ठंडा हो गया है तो इसे चाकू से साइड से निकाल लिया है और इसे पलट लिया है किसी भी प्लेट में। ये देखिए कितना अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही आसानी से केक बन जाता है, इसके लिए कोई भी इंग्रेडिएंट्स मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।